तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि Redmi Note 9 Pro एंड Redmi Note 9 Pro Max डिवाइस में यार काफ़ी लंबे समय से ना कोई भी सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है। तो यार अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसी के साथ में हम बात करेंगे कि MIUI 13 बेस्ड ऑन Android 12 का अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यार पहले सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद ही आप लोग को MIUI 13 बेस्ड ऑन Android का अपडेट देखने के लिए मिलेगा। सो गाइस, अगर आप भी हैं Redmi Note 9 Pro एंड Redmi Note 9 Pro Max डिवाइस के यूजर्स, तो यार आप वीडियो को ना शुरू से अंत तक जरूर वॉच करना, बिकॉज में भी आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। इसी के साथ में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो यार लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, हो सके तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। सो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं Redmi Note 9 Pro डिवाइस के बारे में। यार Redmi Note 9 Pro डिवाइस में जो अभी अपडेट रन कर रहा है, जिसका वर्जन है MIUI 12.5.5.0 का, गाइस ये अपडेट मिले हुए काफी लंबा समय हो चुका है, अप्रोक्स यार वही 90 डेज हो चुका है अपडेट मिले हुए। तो यार डिवाइस के जो यूजर्स है ना वो काफी बग एंड इशू को फेस कर रहे हैं, इसी के साथ में यार सिक्योरिटी पैच भी काफी पुराना हो चुका है। लेकिन यार अभी तक ना Redmi Note 9 Pro डिवाइस में कोई भी सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है MIUI 12.5.5.0 वर्जन के बाद। तो गाइस ऑटोमेटिक है कि डिवाइस में बग एंड इशू को फेस करना पड़ेगा अगर इतना दिन से कोई भी सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट देखने के लिए ना मिले। तो यार न्यू सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा, ये तो खैर हम वीडियो में आगे बात कर लेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं Redmi Note 9 Pro Max डिवाइस के बारे में। यार ये भी डिवाइस में काफ़ी लंबे समय से अप्रोक्स यार 100 डेज से ना इसमें भी कोई भी सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है। यार यूजर्स को ना काफ़ी ज़्यादा बग एंड इशू फेस करना पड़ रहा है, एंड गाइस सिक्योरिटी पैच भी काफ़ी पुराना हो गया है। जब इतने दिन से अपडेट देखने के लिए नहीं मिलेगा तो वो तो ऑटोमेटिक है कि डिवाइस में बग एंड इशू फिक्स होगा। यार सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स जो अपडेट प्रोवाइड कराया जाता है ना, उस अपडेट में सिक्योरिटी पैच को इन्हांस कर दिया जाता है। इसी के साथ में डिवाइस में जो भी बग एंड इशू होता है उन्हें यहाँ पे फिक्स करने के बाद डिवाइस के स्टेबिलिटी को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया है। तो खैर यहाँ पे तो इतने दिन से सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट देखने के लिए नहीं मिला है, तो वो तो ऑटोमेटिक है कि डिवाइस के यूजर्स को बग एंड इशू फेस करना पड़ेगा। तो यार यहाँ पे जो Redmi Note 9 Pro एंड Redmi Note 9 Pro Max डिवाइस के जो यूजर्स हैं वो ये सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट उन्हें MIUI 13 बेस्ड ऑन Android 12 का अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। यार मे बी ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यार डिवाइस में काफ़ी ज़्यादा बग एंड इशू है। तो अगर डायरेक्ट अपडेट देखने के लिए मिलता है तो आप लोग को मालूम है कि MIUI 13 एंड Android 12 दोनों अपडेट एक साथ ही आप लोग को देखने के लिए मिलना है, तो हो सकता है कि डिवाइस में और भी ज़्यादा बग एंड इशू यूजर्स को फेस करना पड़ सकता है। इसी वजह से यार आप लोग को डायरेक्ट MIUI 13 बेस्ड ऑन Android 12 का अपडेट देखने के लिए नहीं मिलेगा, उससे पहले आप लोग को एक सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट देखने के लिए मिलेगा। अगर बात करें कि यह अपडेट कब तक देखने के लिए मिलेगा Redmi Note 9 Pro एंड Redmi Note 9 Pro Max डिवाइस में, यार हो सकता है कि आप लोगों को ना 20 अगस्त के बाद आप लोगों को अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। सो गाइस जो पायलट यूजर्स होंगे ना वो सेटिंग एंड सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करके अपडेट को चेक करते हैं ना, क्योंकि पहली बार जो अपडेट देखने के लिए मिलेगा वो पायलट यूजर्स को ही अपडेट देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद अगर अपडेट में कोई भी बग एंड इशू देखने के लिए नहीं मिलता है तो उसके अप्रॉक्स 1 वीक बाद सभी यूजर्स के लिए रोल आउट होना स्टार्ट होगा। अगर हम बात करें MIUI 13 बेस्ड ऑन Android 12 अपडेट के बारे में, तो यार अगस्त में अगर सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट देखने के लिए मिल जाता है तो यार हो सकता है कि आप लोगों को ना सितंबर महीना के इन वीक तक आप लोगों को अपडेट देखने के लिए मिल सकता है मे बी, या फिर अगर सितंबर महीना में देखने के लिए नहीं मिला तो अक्टूबर भी हो सकता है, क्योंकि यार यहां पे सिक्योरिटी पैच एंड बग फिक्स अपडेट मिलने में अगर लेट हुआ तो आप लोगों को MIUI 13 बेस्ड ऑन Android 12 का भी अपडेट मिलने में लेट हो जाएगा। खैर गाइस Redmi Note 9 Pro एंड Redmi Note 9 Pro Max डिवाइस में अपडेट के रिगार्डिंग अगर कोई भी इंफॉर्मेशन निकल के आता है तो यार आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा इसी चैनल पे न्यू वीडियो के जरिए। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लेना। इसी के साथ में अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो यार लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। सो गाइस फिलहाल मैं अभी के लिए इतना ही, आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी ओपिनियन हो तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, एंड ये वीडियो को आप अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।